आरोग्याची वारी पंढरीच्या दारी महाआरोग्य शिबिर 15 ते 17 जुलै लक्ष्मणदास महाराज आश्रमशाळा वाखरी पंढरपूर 16 ते 18 जुलै 3 रस्ता चौक बार्शी रोड आणि विष्णुपद मंदिर शेजारी गोपाळपूर पंढरपूर आणि 65 एकर सोलापूर रोड शेगाव दुमाला पंढरपूर जिल्हा सोलापूर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. भक्तांनी या महाआरोग्य शिबिराचा अवश्य लाभ घ्यावा. सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन. जो घटना यहाँ पे महाराष्ट्र में घटी है ये बहुत ही दुर्भाग्य है और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को शोभा देने वाली नहीं है. महाराष्ट्र के अंदर खास करके शिवाजी महाराज को सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश में नहीं तो पूरी दुनिया में मानते हैं. शिवाजी महाराज की प्रेरणा पूरी दुनिया लोग उनसे लेती है. शिवाजी महाराज ने महिलाओं का किस तरीके से आदर किया, किसानों का किस तरीके से आदर किया, गरीबों को किस तरीके से मदद की, ये पूरी दुनिया में लोग प्रेरणा देते हैं. आज उनके नाम को लेके महिलाओं को मारना, बच्चों को मारना, वहाँ की इबादत गाहों के ऊपर, धर्म स्थलों के ऊपर इस तरीके से हरकत करना, ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है. और खास करके पुलिस कर्मचारियों को मारना और वहाँ पे पुलिस अधिकारी के जो बड़े ऑफिसर उनके सामने इस तरीके की घटना होती है और उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़ी ही शर्मनाक बात है. महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस पूरे देश में एक नंबर की पुलिस है. इसकी तुलना स्कॉटलैंड पुलिस से होती है. अगर उनका हाल इस तरीके से होने लगा तो आम जनता के बीच में सिक्योरिटी क्या रह जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है. डीजी मैडम से क्या मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, डेफिनेटली डीजी मैडम ने कहा है कि हमने कार्रवाई की है, हमने कई लोगों को अटैक किया है और कोर्ट ने जो है पुलिस कस्टडी भी दी है. लेकिन मसला ये है कि इस तरीके के आगे हालात ना बिगड़े उसके लिए जो है पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए. और जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आज अगर वहां पे कोई विजिट करने नेता जा रहा तो उनको रोकने का काम कर रहे हैं. इतनी अच्छी तादाद में अगर लोग वहां पे जमा होते हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं, ये भी मालूमात उनको होनी चाहिए थी. तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चुनाव में कहीं पराजित उनकी हुई, हार हुई है, तो इस दिशा में उनको ले जाना है क्या, कि अपने कामों के बल पे उन पे जाना है या इस दिशा में जाना है, ये महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता को तय करना है. वजह क्या लग रहा है? इंक्रोचमेंट का जो मसला है लंबे समय से कोर्ट में भी पेंडिंग है 2022 से. क्या वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, वोट बैंक का मामला है, क्या लगता है? देखिए, इंक्रोचमेंट मुंबई से लेके महाराष्ट्र के पूरे देश में इंक्रोचमेंट का मसला है. लेकिन अगर कहीं इंक्रोचमेंट होता है तो उसके ऊपर एक प्रक्रिया है, उस हिसाब से उनको नोटिस दिए जाए.